आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन के पकोड़े, क्रिस्पी और जस्ट बहुत ही पतले पतले, जो खाने में बिल्कुल पनीर जैसा स्वाद आएगा। आइए इसको हम लंबा लंबा पतला पतला गोल गोल काट लेते हैं। देखिए मैं इसको कैसे काटती हूँ। ये देखिए मैंने बेसन लिया है घोलने के लिए। हम सेमी फ्राई पकोड़े बनाएंगे, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि सेमी फ्राई में ऑयल कम लगेगा और फैट भी कम होगा। हमने बेसन ले लिया है, उसी तरफ हमने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है और बेसन को हम घोलेंगे। ये देखिए इसमें मैं थोड़ी सी सूजी ऐड करूंगी। सूजी ऐड करने का ये फायदा होगा कि पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा पकोड़ों में वो सूजी सोख लेगी, इसलिए पकोड़े हमारे कम ऑयल वाले बनेंगे, क्रिस्पी और टेस्टी और यमी बनेंगे डीप फ्राई की तरह। आइए देखते हैं, इसमें अब हम सूजी ऐड करेंगे। सिर्फ एक चम्मच सूजी में ऐड कर रही हूँ। स्लाइसेस काट लिए हैं बैंगन के पतले पतले। ये देखिए इस तरह से आप बैंगन काट सकते हैं और इस क्योंकि ये फिर पकोड़े बनने में भी आसानी रहेंगी और कच्चे नहीं रहेंगे अगर हम पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे। अब मैं डाल रही हूँ बेसन के अंदर, हमने एक चम्मच सूजी का डाला था। अब मैं डाल रही हूँ नमक और लाल मिर्च और थोड़ा सा अमचूर और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च जो स्पाइसी थोड़ा देगा। और अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं और इसके अंदर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करूंगी। कसूरी मेथी ऐड करने से इसकी रंगत अच्छी लगेगी देखने में क्योंकि धनिया भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो पेस्ट है पकौड़ों को बनाने के लिए वो तैयार है और साथ ही साथ अब हम पकौड़े इसमें डाल के डिप करके बैंगन को हम बनाते जाएंगे सेमी फ्राई। चलिए देखिए, ये देखिए पकौड़े मैंने सारे बीच में डाल लिए हैं। अब मैं इसको सेमी फ्राई कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी लिया है पकौड़ों के लिए। अब हम इसमें डालते जाएंगे। ये पकोड़े हमारे बहुत क्रिस्पी बनेंगे, इस तरह से बनेंगे जैसे आप पनीर के पकोड़े खा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही स्वाद इनके अंदर आएगा। उसके बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे। बिना धनिया की चटनी हम बनाएंगे, इंस्टेंट चटनी जो पकोड़ों के साथ बहुत अच्छी लगेगी और कुछ डिफरेंट ही टेस्ट आएगा। अब हम अपने पकोड़ों की साइड बदल रहे हैं। देखिए ये देखिए एक साइड ये हो चुके हैं। अभी अब इनको थोड़ा सुनहरा होने देंगे, इन्हें पलट देंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े बस होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े लगभग तैयार हैं निकालने के लिए। अब मैं इनको प्लेट पे निकाल लेती हूँ। देखिए हमारे पकोड़े खाने के लिए रेडी है। इस पे आप चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसको हरी चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। हरी चटनी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी किचन। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू आप सबके प्यार के लिए। थैंक यू।